तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्पिंग हैंड ट्रेडर्स में। तो गाइस, TV18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड Q2 2021-22 का रिजल्ट आ गया है, तो चलिए रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं। पर उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आप स्टॉक मार्केट और रिजल्ट से रिलेटेड सारी जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो चलिए बिना देरी करे सीधा रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं। गाइस, जो रिजल्ट है वो लैक्स में दिया गया है हमें। पहले कॉलम में इस क्वार्टर का रिजल्ट, सेकंड कॉलम में लास्ट क्वार्टर का, और थर्ड कॉलम में लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की इनकम की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस क्वार्टर में कंपनी ने जो इनकम जनरेट करी है वो है 1320 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में थी 1175.5 करोड़ और लास्ट ईयर थी 1030.96 करोड़। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कंपनी ने जो टोटल इनकम जनरेट करी है वो इस क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर के मुकाबले बढ़ गई है। अगर हम कंपनी के टोटल एक्सपेंस की बात करें, तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस रहा वो था 1104 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 1006 करोड़ और लास्ट ईयर था 909.82 करोड़। हम कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करें टैक्स पे करने से पहले, तो इस क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट्स रहे 230 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में थे 182.49 करोड़ और लास्ट ईयर थे 135 करोड़। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करते हैं टैक्स पे करने के बाद, तो टैक्स पे करने के बाद जो कंपनी के प्रॉफिट्स रहे वो इस क्वार्टर में रहे 231.4 करोड़, लास्ट क्वार्टर में थे 162.4 करोड़ और लास्ट ईयर थे 115.55 करोड़। अगर हम बात कर लेते हैं अब कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कंपनी के जो अर्निंग्स पर शेयर है वो इस क्वार्टर में रहे 0.82 रुपीस, लास्ट क्वार्टर में थे 0.58 रुपीस और लास्ट ईयर थे 0.44 रुपीस। तो गाइस, जो कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर हैं वो भी कंपनी के प्रॉफिट्स की तरह इस क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर के मुकाबले बढ़ गए हैं। तो कंपनी का जो रिजल्ट है हम देख के ही कह सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर के मुकाबले काफ़ी अच्छा आया है। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आप स्टॉक मार्केट और रिजल्ट से रिलेटेड सारी जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकें।